नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज राजद की जो है गरीबों के अधिकार के लिए थाली बजाओ जो है वो कार्यक्रम था, जिसमें कि अभी 11 बजे से लेकर 11:15 बजे तक मानी 15 मिनट राबड़ी देवी के आवास एक अणे मार्ग पटना में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिशा भारती और सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं, लेकिन बात ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज थाली और कटोरा, चम्मच, ग्लास, बर्तन बजाकर भाजपा के प्रति जो है वो गरीबों के अधिकार दिवस के रूप में मनाया। क्या है ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा कैसे एक अणे मार्ग जो है राबड़ी देवी का आवास, सभी परिवार के सभी सदस्य मुख्यतः थे और उन्होंने थाली बजाकर गरीबों के अधिकार को दिलाने के लिए ये रैली की। वहाँ पे रैली का मतलब ये था कि सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ जुटे थे और परिवार के लोग थे और उन्होंने गरीबों का अधिकार रैली बोलकर इसको संबोधित किया है, इसलिए हम भी इसको रैली ही कह रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ने कहा इस अवसर पर आपको सुनाते हैं। जी आ जाए या हमको समय उनको वीडियो दिखा दे, अगर अभी भी अंधे बने हुए हैं तो अभी भी अगर अंधे बने हुए हैं सुशील मोदी जी तो हम जो है वीडियो दिखा दें, क्या व्यवस्था है। और सुशील मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए, बिहार में एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है NMCH। अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले जो है लगातार जो बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, अभी मानसून नहीं आया, अभी जो है केवल साउथ में मॉनसून ने दस्तक दी है। पटना के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की हालत जो है पानी से भर गया। आप समझ सकते हैं जो एकमात्र कोविड है आइसोलेशन वार्ड की तो छोड़ी। काश सुशील मोदी जी वहीं जाकर के देखते कि थाली में जिस प्रकार से बिच्छू आए हैं खाने में बिच्छू मिले, तो इस पे सुशील मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में किया कि बीजेपी के चाहे जो मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, श्रम मंत्री हो, आपदा मंत्री हो, कहीं भी कोई बैठकों में नजर नहीं आते थे। आज 2-3 महीने बाद जब विपक्ष ने आवाज उठाया तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री उनको बैठाना शुरू किया। ये देखिए बिहार में जो आंकड़ा है, देश भर में जो आंकड़ा, हमारे देश का आंकड़ा ऐसे है पूरी तरीके से बढ़ रहा है, विश्व का जो आंकड़ा है वो ऐसे है कि मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि बिहार में नियंत्रण में है और 20,000 करोड़ रुपए नियंत्रण में है लोगों तक। और देखिए एक बात समझिए, अगर मुख्यमंत्री धोखे में है, सुनो मोदी कह रहे हैं, आप बताइए बिहार विधानसभा में जो भाषण दिए नीतीश कुमार जी, उस पर माफी मांगे, मिसगाइड किया पूरे बिहार के लोगों को, मास्क मत पहनो, धारा 144 मत लगाओ, चलो ठीक है। आज नीतीश कुमार जी कहते नीतीश कुमार जी से पूछा था कितने टेस्ट हुए, बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है टेस्टिंग के मामले में। अब तो सुनने में आ रहा है कि टेस्ट किट्स भी नहीं उपलब्ध है बिहार में, जो जब टेस्ट होगा ही नहीं तो रिजल्ट नतीजे सामने आएंगे कैसे। और ये मेरा आंकड़ा नहीं कहता, आप कहीं से भी पता कर लीजिए, बिहार जो है हरियाणा जैसा राज्य जिसकी 2.9 पॉपुलेशन है करोड़, बिहार का 12-13 करोड़, दिन में यहाँ जब चल रहा था तो मात्र 1100 चाचे चल रही थी, छोटे से राज्य में 3000 से ऊपर जाके चल रही थी, क्यों आके कम। अरे नीतीश कुमार जी बाहर निकलेंगे तब तो पता चलेगा, जानेंगे तब तो, ये तो अधिकारी जो है मिसगाइड करते रहे। अब हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी
को काम ना तो करना है ना किसी को करने देना है, ना लोगों को सहयोग करना है ना लोगों का सहयोग। आपकी बातों से लग रहा है कि चुनाव नहीं होने चाहिए क्या समय पे, क्योंकि कोरोना की वजह से भारी परेशानी है, भुखमरी का है जो आप कह रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव कौन इनिशिएट करेगा? इलेक्शन कमीशन। पहली बार जो है देश या दुनिया ऐसी सिचुएशन से जो गुजरा, इस पे तो सब पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके राय लेनी चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन राय तो ले कि क्या ग्राउंड हालात है, कैसे चुनाव होगा। तो जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो हम अपनी जो बात है इलेक्शन कमीशन में रखेंगे। लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग अभी भी पैदल चल के आ रहे हैं, हम उनको भगवान भरोसे छोड़ दें? आप तो क्वारंटाइन भी खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जब ग्राफ बढ़ रहा है, जब सबसे ज्यादा संख्या में लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, सबसे कम टेस्ट कराने के बावजूद भी, तो क्यों खत्म करा दिया? तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, कैसे बरसे नीतीश कुमार पर। केंद्र के तरफ तो इशारा कम था, लेकिन नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। इन सारी खबरों पर दिन भर ये खबरें चलती रहेंगी, जैसे जैसे जिलों से हमारे पास खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।